हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे बिना बुकरम के स्लीव डिजाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये हमारी स्लीव है, स्लीव को कटिंग कर लिया है और यहाँ सेंटर का मार्क निकालेंगे बीच का। तो यहाँ देखिए लाइनिंग में हमने एक पिंस लगा दिया है जिससे ये हमारा फैब्रिक हिले नहीं, और ये सीधा हमने स्ट्रेट मार्क कर दिया है। यहाँ देखिए लेंथ हमारी 9.5 इंच है, लंबाई हमारी 9.5 इंच है। 1 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे। और यहाँ 1 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे। तो यहाँ 2.5 इंच पर हम मार्क करेंगे, यानी कि कॉलम बनाएंगे 2.5 इंच की। तो यहाँ बराबर से हमें बनाना है, मार्क बराबर से करना है, छोटे बड़े कॉलम ना हो। अब यहाँ जो 2.5 इंच का मार्क है उसी के हम बीच में मार्क करेंगे, उसका हम 2.5 इंच का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ सारे कॉलम में 1.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब यहाँ जो 2.5 इंच का मार्क है तो उसे हम थोड़ा लाइन बड़ा करेंगे जिससे ये अच्छे से दिखे कि ये हमारा 2.5 इंच का लाइन है, उसके बीच में जो मार्क है वो हमारा सेंटर रहेगा। अब यहाँ पेपर पर हम डिजाइन का शेप देंगे, तो 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, बीच का हम मार्क करेंगे 1.25 इंच पर। बीच के मार्क से हम इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर यहाँ हम मार्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बीच का मार्क है और यहाँ से हम 1.5 इंच मार्क लगाएंगे। इसी मार्क से हम यहाँ डिजाइन में शेप देंगे। तो ये कुछ ट्रायंगल का शेप है। अब इसको कट करेंगे तो डिजाइन कुछ हमारा इस तरह से बना। अब इसी डिजाइन को रखकर लाइनिंग पर हम ट्रांसफर करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी को रखेंगे, जो ये 2.5 इंच का हमने मार्क लगाया है, लाइन को किया है, इसी के बीच में हमें ट्रायंगल को रखना है और यहाँ मार्क करेंगे। सारे निशान हम सारे कॉलम में सारे डिजाइन को ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ हमने ट्रांसफर कर लिया है। अब यहाँ पिंस खोल देंगे, लाइनिंग को ओपन करेंगे और ये बीच का मार्क है इसे थोड़ा डार्क करेंगे। अब यहाँ लाइनिंग को डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ अच्छे से करना है डबल फोल्ड, कम ज़्यादा नहीं रखना है कहीं भी, नहीं तो हमारी जो डिजाइन है वो तिरछी हो जाएगी। और यहाँ जो डिजाइन है उसमें हम थोड़ा फिंगर से प्रेस करेंगे तो हमारे ये मार्क दोनों साइड आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम बिना बुकरम के ही ये सुंदर डिजाइन बनाएंगे। बहुत ही सुंदर हमारा बिना बुकरम के बनेगा डिजाइन। तो यहाँ देखिए जो फ्रेंड्स हमारे ये मार्क आ गए हैं, इनको हमने गहरा कर लिया है। अब हम मैन फैब्रिक पर इसको सेट करेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमारा मैन फैब्रिक है उसको हमने सीधी साइड में बिछाया हुआ है, उसी के ऊपर हमने लाइनिंग को बिछाया। और यहाँ मैन फैब्रिक को नीचे की साइड हमने 1/2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा में लिया, पिंस लगा देंगे। पिंस जरूर लगाना है क्योंकि डिजाइन हमारी इधर उधर नहीं जाएगी। अब इसी लाइन पर जो हमारा ये लाइन बना है, इसी लाइन पर हम सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ जो बीच का लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन बना हुआ है तो इसे हम छोड़कर और यहाँ बूट को थोड़ा ऊपर उठा के और सिलाई को घुमा लेंगे। हम लाइन पर सिलाई नहीं लगाएंगे, जो हमारी लाइन बनी हुई है स्ट्रेट उस पर हम सिलाई बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ देखना फ्रेंड्स, ये लाइन है और हमने ये बूट को ऊपर की ओर उठाया है और सिलाई को घुमा लिया है।
तो इसी तरह से हम दोनों साइड की सिलाई को लगाएंगे, लाइन को छोड़ देंगे, एक पॉइंट बीच में छोड़कर सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पिंस लगी हुई थी, निकाल लिया है इसको। तो यहाँ देखना फ्रेंड्स, दूसरी साइड में सिलाई को देखना, यहाँ हमने लाइन को छोड़ दिया है एक पॉइंट और सिलाई को घुमा घुमा कर सिलाई को लगाया है। अब यहाँ पिंस को हटा देंगे। अब एक कॉलम में हम छोटा सा कट लगाएंगे, हल्का कट लगाएंगे बीच में, और यहीं से हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, लाइन पर हमारी सिलाई नहीं है, तो इसे हम कट कर देंगे। और यहाँ जो बीच का फैब्रिक है तो इसको हम हटा देंगे, डिजाइन की जो बीच में फैब्रिक है इसको हटा देंगे। तो दो पॉइंट हम लगभग छोड़ देंगे सिलाई के पास का, और यहाँ सारे कॉलम की हम कटिंग कर लेंगे, बीच का फैब्रिक हटा देंगे। जो यहाँ नोक बना है यहाँ हम कट्स लगाएंगे, तो यहाँ अच्छे से कट लगाना है, सिलाई बिल्कुल ना कटे, अच्छे से सीजर से कट लगाना है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यहाँ अब लाइनिंग को हम उल्टी साइड में टर्न कर देंगे, यानी कि पलट देंगे लाइनिंग को उल्टी साइड में, और यहाँ फिंगर से हम अपनी डिजाइन को बाहर करेंगे। अगर कोई पतली नोक वाली चीज हो तो उससे हम अपनी डिजाइन को बाहर कर लेंगे, अच्छे से ये नोक निकल आए तभी डिजाइन हमारी अच्छी लगेगी। और यहाँ उल्टी साइड में हमें अच्छे से लाइनिंग को फैला देना है, बिछा देना है, यानी कि अच्छे से सेट करना है। अब इसी के ऊपर हम किनारे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स माई चैनल परी ब्यूटी पार्लर एंड सिलाई बुटीक को सब्सक्राइब जरूर करें, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो इसी तरह से हम बहुत ही अच्छे से यहाँ सिलाई लगाएंगे लाइन में, बिल्कुल किनारे एकदम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इधर उधर सिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिलाई हमारी डिजाइन की है और फिनिशिंग की है, ये हमारी बहुत ही अच्छी लगती है, डिजाइन का लुक इसी से आएगा। धागा अगर निकला हो बाहर की साइड तो उसे कट कर दें, क्योंकि हमें सफाई से डिजाइन बनाना है। तो बिना बुकरम के ही ये डिजाइन बहुत ही अच्छी बनेगी, कहीं रिंकल वगैरह नहीं इसमें आएंगी, सिकुड़न बिल्कुल नहीं आएगी हमारी ये डिजाइन में। धागा को कट कर देंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई को लगा लिया है, और देखिए सिलाई से ही हमारी डिजाइन कितनी अच्छी लगने लगी। और यहाँ मेन फैब्रिक और लाइनिंग पर हम सिलाई लगाएंगे चारों तरफ, तो इसको राउंड राउंड हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों सेट हो जाएं। नीचे की साइड यानी कि बॉटम की साइड यहाँ हम फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा एक्स्ट्रा है हाफ इंच मैन फैब्रिक, तो इसी को हम
फोल्ड करेंगे क्योंकि हमारी स्लीव छोटी है, नहीं तो छोटी हो जाएंगी। अगर हम लाइनिंग को भी इसमें फोल्ड करेंगे तो हम मेन फैब्रिक को ही फोल्ड करेंगे हाफ इंच। एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। और यहाँ देखिए डिजाइन हमारा कितना अच्छा बना है बिना ही बकरों के। अब इसमें हम डेकोरेशन करेंगे तो यहाँ हम रेड वाली यहाँ लेस लगाएंगे, यानी कि पाइप वाली लेस अटैच करेंगे और यहाँ बटन लगाएंगे।